आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सूबे के विभिन्न जिलों में के 100 दिन मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। और इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम आने वाले दिनों में एक नए लक्ष्य के साथ ग्राम विकास विभाग की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सरकार जनता को जल्द ही समस्या से निजात दिलाएगी। का मैदान बना भी है, जहाँ नहीं बना है वहाँ बनाने की योजना भी है, और जो बनाने की प्रक्रिया है ग्राम विकास के माध्यम से उसे 21 जून से पहले पूरा करने का आह्वान अब किया गया है, निर्देश दिया गया है। अगर कोई किसी वजह से नहीं बन पाएगा तो उस स्थान को इतना व्यवस्थित जरूर बनाएंगे कि वहाँ पर योगा डे मनाया जा सके। तालाब पर कब्जा हटाया जाएगा, नदियों पर कब्जा है उसको हटाया जाएगा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है उसको हटाया जाएगा, वो तो अभियान निरंतर चल ही रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हर लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनने, वह अमृत सरोवर बहुत ऐतिहासिक स्वरूप में बनेंगे, वह किसी न किसी देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान देने वालों के स्मृति में बनेंगे, और गांव के दृष्टि से वह एक पर्यटन का भी केंद्र होगा और गांव के लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक का भी सेंटर होगा, गांव के बच्चों के तैराकी का भी सेंटर होगा, गांव में एक अलग प्रकार का, जिन गांव में यह तालाब बनकर के तैयार होंगे, जब बनना शुरू होंगे आप सब तब भी देखिएगा, हम लोग उसका फोटोग्राफ भी रखेंगे, और जब बनकर के तैयार हो जाएगा उसका फोटोग्राफ भी आपको देंगे। ऐसी संख्या 6000 हो रही है। श्रमिकों का जो कार्ड बना है, जिस योजना में वह लाभार्थी हो सकते हैं, उनके पैसे आने में कोई देरी नहीं। अभी श्रमिकों को सम्मानित किया है इन्होंने, सर श्रमिकों को सम्मानित किया है, कई सारी योजनाएं हैं और ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, क्या नहीं? निश्चित तौर से जो जो जरूरत है वह सब कुछ करेंगे। सर बिजली को लेकर काफी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, उसका भी समाधान करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, और जाहिर सी बात है उस पर हम काम भी करेंगे, और इसके अलावा बिजली की समस्या पर भी जल्द से जल्द सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन पांडे। अलीगढ़ में नागरिक मंत्रालय की टीम ने धनीपुर हवाई अड्डे को दूसरे शहरों में उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी कंपनी को विमान संचालन के लिए लाइसेंस दिया जाए, उड़ान कब और इनका संचालन कौन सी कंपनी, इसका फैसला करेगी। प्रदेश सरकार और केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। शुरुआत में 19 सीट वाले छोटे विमानों को ही उड़ान भरने की अनुमति मिलेगी। क्षेत्रीय उड़ान सेवा के अंतर्गत अलीगढ़ एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। अलीगढ़ एयरपोर्ट का 100% कार्य पूर्ण हो चुका है। बहुत वित्तीय प्रगति के सापेक्ष भौतिक प्रगति 100% हो चुकी है। 27 तारीख को निदेशालय की 6 सदस्यीय की टीम के द्वारा अलीगढ़ एयरपोर्ट का भ्रमण किया गया। टीम के द्वारा ट्रिब्यूनल बिल्डिंग, ATC टावर, रनवे और जो हैंगर बने हुए हैं उनका भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया। उसमें जो छोटी मोटी कमियां थी उनके बारे में हमें अवगत कराया गया। खबर बलिया से है, जहां नगर पंचायत बैरिया के अधिशासी अधिकारी निर्माणाधीन CC रोड की जांच करने पहुंचे। इस दौरान वह अभियंता और बड़े बाबू के साथ हाथापाई और गाली गलौज हो गई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं पुलिस इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करके उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जी, अपना एक परिचय होता है। मैं शिव कुमार वर्मा मंटन, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। एक प्रकरण प्रकाश में है, आपके साथ मारपीट का क्या विषय है पूरा? हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ था, ये हमारे नगर पंचायत EO, JE और बड़े बाबू किसी रोड के जांच में गए थे, वहाँ के 2-3 ग्रामीणों द्वारा उन लोग गाली गलौज भद्दा भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें EO द्वारा एवं JE द्वारा उन 2-4 लोगों को नामजद FIR भी कराया गया है। हाँ, सड़क वहाँ बनाया जा रहा है नगर पंचायत की तरफ से, वहाँ पर जो उनके नगर पंचायत के JE हैं वो चेक करने गए थे, तो कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्रता किया, उसके संबंध में मुकदमा कायम हो गया है और मुकदमा कायम करना वैधानिक।
औरैया में एक युवक ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है। युवक का कहना है कि उसने 21 अप्रैल को बिहार से साइकिल यात्रा शुरू की, जो अब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर पहुंचकर खत्म होगी, जहां पर वो राष्ट्रपति को अपनी पीड़ा बताएंगे। आपको बता दें कि युवक का आरोप है कि वर्तमान में बिहार में जन वितरण प्रणाली में धांधली चल रही है, जिसकी शिकायत उसने बिहार के मुख्यमंत्री से भी की थी, मगर आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जन वितरण प्रणाली में वर्षों से धांधली चल रहा है। मैं 2020 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, जो कि जनप्रतिनिधि से, अपने पंचायत का जनप्रतिनिधि से लेकर के सदर ब्लॉक का BDO, MO और डिस्ट्रिक्ट में जाइए SDO साहब और DM साहब को आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद में 3 लेटर मैं नीतीश कुमार को दिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिए, उसके बावजूद भी नहीं कोई सुनवाई हुआ। तो मैं नीतीश कुमार के पास खुद जा कर के नीतीश कुमार से अपने स्पष्ट रूप से 2 बात रखे, उसके बावजूद भी मेरा सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में मैं PM नरेंद्र मोदी के पास निकले, साहब के पास, तो वहाँ कोरोना काल में पहुँचे हमसे, साहब से मुलाकात नहीं हुई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब मैं आखिरी बार जा रहा हूँ मैं रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति के पास, अब वहाँ जाके मैं स्पष्ट रूप से पूछूंगा, क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? अगर नागरिक हूँ तो मेरा हक क्यों? खबर अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके से है, जहां 2 सटोरियों के पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग की गई। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि अवैध सट्टे के कारोबार को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से महिला को CHC में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टर सुनील यादव, मैं मुख्य पोस्ट पे हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी में भी हूँ मैं। मामला है, बताया गया कि RTA है, तो आए हैं, सर में चोटें हैं, राइट साइड फ्रैक्चर है, लोअर लिप का, उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल में वाले ने एक्सीडेंट किया है। कहाँ का रहने वाले? रफ्तार में था, इससे वो इसकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। हम मऊ के रहने वाले हैं, हमारी बुआ कोरियर पूरे कोयलपुरवा में रहती हैं, वहाँ से हमारे यहाँ सुधर था, काम था हमारी एजिया का, उसी काम में शामिल होने आ रही। फरीदाबाद के पाली गांव में उज्ज्वला योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर LPG पंचायत का आयोजन किया गया। ये आयोजन इंडियन ऑयल की तरफ से किया गया था, जिसमें इंडियन ऑयल के करनाल एरिया के सीनियर मैनेजर भी लोगों को प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में जानकारी दी। हमें बहुत मिला है का नाम, पहले हम का नाम है लकड़िया क्या है तो ऊपरे भी नहीं होते थे का नाम, जैसे हमने अपनी मतलब लाइफ में देखा है, और ये है कि का नाम अब चूल्हे गैस आ गई है, तो फिर पहली बार तो हम पहले बोल ही ले लिया था। उसके बाद हम फ्री मोदी योजना ने के मोदी ने अपनी का नाम में फायदा दिया इस बात का, कहना नाम है भाई मतलब अपने घरों में लेडीज जाती हैं, धूप में मरती हैं, आँखों में जलन होती है, हमें इस तरह से का नाम हमें फायदा ही फायदा है, क्या नाम अब हमें टाइम पर खाना बना के दे देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उज्ज्वला दिवस, जो कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके तहत हमने गरीब महिलाओं को कनेक्शन दिए गए थे, उसमें बहुत बड़ा योगदान इंडियन ऑयल का रहा था। इंडियन ऑयल ने सभी को, जितनी भी जरूरत महिलाएं थी, गरीब थी, जो कि लकड़ी पर या उपलों पर खाना बनाती थी, उनके लिए सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई थी, और इसमें हमारी कंपनी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को जो है फ्री में उज्ज्वला। अलीगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने राहगीरों और वाहनों को रौंदा। इस हादसे में के दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, लोगों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को JN मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह घटना क्वारसी थाना इलाके के नगला पटवारी की है। अभी करीब
एक घंटे डेढ़ घंटे पहले एक ट्रक बहुत तेज गति से आ रहा था बाईपास से, जो कि ये सामने आपके खड़ा हुआ है यूपी 22-48-29 नंबर है इस ट्रक का। शायद इसका जो ड्राइवर था वो नशे में था, क्योंकि ये तो जानकारी के बाद अभी पता चलेगी। वो थाने में है इस वक्त, पुलिस प्रशासन की कस्टडी में है। और ये तेज़ गति से आते हुए इसने करीब 2 किलोमीटर के अंदर 5 एक्सीडेंट किए हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या तकरीबन 4 या 5 को अब तक कंफर्म है। बाकी लोग बहुत सीरियस हालत में इंजर्ड है और उसी को लेकर के ये सारा है। ये यहाँ करके फिर इसने जो ढकेल पे लोग पटरी पे केले बेच रहे थे, कुछ चाय के खोखे थे, उसके अंदर एक तेज़ी से ट्रक ला के बढ़ा दिया और यहाँ पे भी कई लोग मर चुके हैं। थाना सिविल लाइन्स और थाना कुआरसी पर आज एक ट्रक द्वारा कई स्थानों पर दुर्घटना की गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ अन्य घायल हुए, जिनको अभी अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया है। और इसमें घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने सीज कर लिया है और उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसमें मौके पर पुलिस खबर बिजनौर से है, जहां प्रेम प्रसंग के शक में साढ़ू की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आला कत्ल चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वह पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करके इस घटना का खुलासा किया। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेज दिया। थाना शेरकोट के कोटरा मोहल्ले के 2 व्यक्ति शमशाद और शहजाद, जो पास में रहते हैं, आपस में साढ़ू भी हैं। शहजाद को शक था कि उसकी पत्नी का शमशाद के यहाँ आना जाना है। इनका आरोप ये भी है कि घर के रुपए पैसे उनको दे देती है, तो एक स्वाभाविक आक्रोश में उन्होंने शक के आधार पर अपने साढ़ू को चाकुओं से गोद करके सड़क पर हत्या कर दिया। अस्पताल में ले जाते समय मृत्यु हो गई। इनके इस कृत्य से सड़क पर सरेआम चाकू के मारने से वहाँ पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, नए चाकू को। और पूरी दुनिया में आज का दिन मजदूरों के नाम समर्पित है। काम के घंटों को लेकर अमेरिका में शुरू हुई मजदूरों की क्रांति पूरे विश्व समेत भारत में इन्हें नई पहचान दे गई, लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज भी मजदूरों को अपने अधिकार की जानकारी ही नहीं है। रायबरेली की इन ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंगों और इन प्रतिष्ठानों की चमक इन्हीं मजदूरों ने बनाई है। बावजूद इसके मजदूर को तो यह भी नहीं पता कि ई श्रम कार्ड क्या है, गोल्डन कार्ड किसे कहते हैं, या फिर जीवन बीमा जैसी कोई स्कीम भी इनके लिए उपलब्ध है। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मजदूरों से बात की गई। बात करने के बाद मजदूरों से जो जवाब मिला वो निराश करने वाला था। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसके क्रम में हम लोगों ने भी जो विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिक जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि सभी ब्लॉकों पर जो श्रमिकों ने लगातार अच्छा काम किया है उनको बुला करके सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही जो हमारा श्रम कार्यालय है जिला स्तर पे, वहाँ पर भी एक इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो नरेगा की स्कीम है या फिर बैंकों से लोन की स्कीम है या ट्रेनिंग की स्कीम है, इन तमाम प्रकार की स्कीमों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और उन स्कीमों का। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजोतरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।